brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. तो कांग्रेस अब की बार सेलिब्रिटी चेहरों को चुनावी मैदान में उतारने के प्लान पर है। बीजेपी को इस नए चक्रव्यूह में घेर पाएगी कांग्रेस? जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। बीजेपी उम्मीदवारों को टक्कर देने के लिए कांग्रेस नामचीन चेहरों को मैदान में उतार सकती है। जहाँ जहाँ बीजेपी मजबूत है, उन सीटों पर कांग्रेस सेलिब्रिटी कार्ड खेलने की तैयारी में है। अब पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने लोकसभा का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, लेकिन पर्दे के पीछे सभी नेता अब की बार किसी तगड़े प्लान पर जुटे नजर आ रहे हैं। पहले चर्चा रही कि करनाल सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को टक्कर देने के लिए कांग्रेस अभिनेता संजय दत्त को चुनाव लड़वा सकती है, लेकिन अभिनेता संजय दत्त ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अब चर्चा है गुरुग्राम सीट की, जहां से 5 बार के सांसद और अहिरवाल बेल्ट के मजबूत नेता केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अब अहिरवाल बेल्ट के बड़े चेहरे के सामने कांग्रेस अभिनेता राज बब्बर को टिकट दे सकती है। चर्चा तो ये भी है कि राव इंद्रजीत की सियासी ताकत को देखते हुए कांग्रेस हाईकमान इस बाबत फैसला ले चुकी है। हालांकि राज बब्बर का चुनाव लड़ने को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। अगर यहां से राज बब्बर चुनाव लड़ने से पीछे हटते हैं तो अहिरवाल इलाके के बड़े नेता कैप्टन अजय सिंह यादव राव इंद्रजीत को टक्कर देते नजर आ सकते हैं। कैप्टन अजय यादव गुरुग्राम लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली रेवाड़ी विधानसभा सीट से लगातार 6 बार विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं। साल 2019 में कैप्टन अजय यादव ने यहां से कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। उस समय कैप्टन अजय यादव का मुकाबला राव इंद्रजीत से हुआ था। इस मुकाबले में करीब 4.25 लाख वोटों से राव इंद्रजीत ने कैप्टन अजय यादव को हरा दिया था। अब राज बब्बर की दावेदारी के सहारे कांग्रेस भीड़ तो खींच लेगी, लेकिन कहीं ना कहीं वे राव इंद्रजीत के दबदबे के सामने टेंशन में रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि अहिरवाल इलाके के मजबूत नेता राव इंद्रजीत को हराने के लिए बड़े वोट कैचर और बड़े स्थानीय चेहरे को मैदान में उतारना होगा। गुरुग्राम लोकसभा के अंतर्गत सबसे ज्यादा यादव वोटर आते हैं, तो राज बब्बर को यहाँ यादव वोटरों को खींचने की चुनौती भी मिल सकती है। अब निगाहें टिकी है कांग्रेस के दावेदारों की घोषणा की लिस्ट पर, जो जल्द ही हम सबके सामने होगी। लेकिन नामचीन चेहरों को मैदान में उतारने की चर्चाएं जरूर बता रही है कि कांग्रेस अब की बार किसी बड़े प्लान पर है, और जहां जहां बीजेपी मजबूत है वहां वहां कांग्रेस बड़े नामचीन चेहरों को उतारने की कोशिश में है। अब देखना होगा क्या कुछ परिस्थितियां रहती हैं और कौन कौन से बड़े चेहरे हरियाणा में अपना दारोमदार दिखाते नजर आते हैं। आपका क्या सोचना है, राय रखिए। साथ ही जोगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।